आज जहां हम खड़े हुए हैं ये शहीद स्मारक है, जिसकी वजह से आज यूटी का सपना पूरा हुआ है। आप सपने को कैसे देखते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं जो हमारे मातियर्स, जो हमारे हीरो हैं नवम दोर जिसन, जिनका जिन्होंने अपने लद्दाख के लिए जो है अपने जानों के बलिदान दिया है, जानों की कुर्बानी यहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए दिया है, तो उनका हम हमेशा से कर्जदार रहेंगे और उनके फैमिली का भी जो है हम बहुत बड़े आभारी रहेंगे। ऐसे हीरो को उन्होंने जन्म दिया है। यूनियन टेरिटरी जो है हम सभी का 70 साल का पुराना सपना है, पुराना डिमांड है, जिसके लिए सभी ने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया और हमारे पूज्य गुरुजी जी बकुला रिम्पोचे जी ने भी जो है हमें यही दिशा दिखाया था कि लद्दाख को अल्टीमेटली यहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस को मीटअप करने के लिए जो है यूटी ही लद्दाख के लिए अल्टीमेट एक गोल होना चाहिए करके। तो फाइनली जो है मैं 70 साल के बाद हमारा सपना पूरा हो गया, जिसके लिए जो है मैं भारत सरकार और ख़ासकर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और सभी भारतवासियों का भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप सभी के कारण जो है आज हमें लद्दाख को जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला, जो हमारे 70 साल का सपना था, जिसके लिए जो है इन जवानों ने जो है अपने जानों के बलिदान दिया है। तो आप जो है हम नए यूटी में हैं, नए लद्दाख में हैं, हमारा जिम्मेवारी यही बनता है जो सपना जो हमें पूज्य गुरु जी ने दिखाया था और जिसके जिसको पाने के लिए जो है हमारे नौजवानों ने जो अपने जानों के बलिदान दिया था, अब उस सपने को साकार करना है। हमें इस यूटी को मजबूत बनाना है और इस यूटी को जो है यहाँ के लोगों के जो है एस्पिरेशंस को ध्यान में रख के जो है यहाँ के लद्दाख पूरा वासियों के हित में हमें काम करके इस यूटी को एक मजबूत और एक यूनिक और एक पूरे एक मॉडल यूनियन टेरिटरी बनाने का जिम्मेवारी हम सभी के कंधे पे हैं और इसके लिए बाखूबी से जो है सभी स्टेक होल्डर्स आगे आके इसके लिए काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से जो है इन शहीदों का जो है सम्मान करते हुए लद्दाख के लोगों को जो है इस यूनियन टेरिटरी की इस खास कर इस दिन पे अपने आप को एक रिमाइंडर के तौर पे लेके जो है इस यूनियन टेरिटरी को मजबूत करने के लिए, जुड़ने के लिए जो है मैं लोगों से जो है अपील करना चाहूँगा। यूटी तो मिल गया, आगे क्या? इस यूटी देखिए, अभी यूटी तो अभी हमें 2 साल हुआ है। अब यूटी हमने मांगा था यहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए, यहाँ के लद्दाख जो नेगलेक्टेड था, यहाँ पे डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से हम बहुत पीछे थे यहाँ पे, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था तो यहाँ पे उतना अटेंशन नहीं मिलता था, हमारा बजट जो है बहुत कम होता था, जिसके प्रति जो है हमें यहाँ पे अपने हिसाब से, अपने चाहत के हिसाब से हम यहाँ काम नहीं कर पाते थे। अब लद्दाख केंद्रीय शासित बनने के बाद से जो है यहाँ जो हमारा फाइनेंशियल पावर जो है अभी बढ़ गया है, काउंसिल का बजट ही जो है अभी 232 करोड़ पहुँच गया है, फिर पूरे लद्दाख यूनियन टेरिटरी का जो है अभी एक स्पेशल पैकेज भी दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने जो है, जिससे जो है यहाँ के जो है हर एक सेक्शन में जो है हम तरक्की कर पाए और यहाँ के जो सपने हम देखते थे वो सपने अब हमें साकार करने का जो मौका मिला है, तो इसलिए जो है हम इस यूनियन टेरिटरी को आगे चलते हुए हमें इसको जो है हमारा एक प्लान बना हुआ है, ऑलरेडी हम 5 ईयर्स प्लान लेके चल रहे हैं, उसमें जो है हमारा कोशिश यही रहेगा जो अभी तक जो नेगलेक्टेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको भी जो है हम बिल्कुल आगे बढ़ने का हमारा हम मौका देंगे और हमारा प्रयास जो है पूरे लद्दाख को स्ट्रेंथन करने का होगा। मंत्रियों का यहाँ आज कल बड़े भीड़ भाड़ काफ़ी है, किस रूप में देखते हैं इतने मंत्रियों का आना? यही तो है, देखिए जी, खासियत जो है लद्दाख के जो हमारा जो यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलने के बाद से जो है किस प्रकार का एक अटेंशन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है और ये सारा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है और उनके डायरेक्शन के हिसाब से हो रहा है कि सभी को बोला है, सभी मिनिस्ट्रीज को बताया गया है लद्दाख को एक एक्सेप्शनल के और
ट्रीट करे और इसमें सभी जुड़े लद्दाख को आगे ले जाने में। तो इसलिए जो है इतने बड़े स्तर पे जो है यहाँ पे MPs आ रहे हैं, यहाँ पे मिनिस्टर्स आ रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत अच्छा है और हर विषय पे हमारा अच्छा चर्चा हो रहा है इनके साथ। तो हमें पूरा उम्मीद है आने वाले दिनों में ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी यहाँ के लोकल के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के जो है यहाँ के जो हमारे जो एस्पिरेशन थोड़े कुछ और भी थोड़े छोटे हमारे जेन्यून डिमांड से यहाँ के हमारे जो है ज़मीनी जो सुरक्षा हमें चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का जो हमारा यहाँ पे जो बातचीत चल रहा है जिसमें भारत सरकार ने कहा है बिल्कुल देंगे और इसमें जो है लद्दाख को कोई घबरा लद्दाख के लोगों को घबराने की बात नहीं है और इस प्रकार के चर्चा हमारे रोज़ हमारे मिनिस्टर से होते हैं। तो पूरा आप उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में एक सुंदर और एक बेहतरीन लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी जो बना है वो बहुत अच्छे एक मॉडल के द्वारा एक यूटी बनेगा। इससे लोगों का भरोसा आप जीत पाएंगे 100% आप भरोसा ऑलरेडी जीता हुआ है लोगों का, प्रधानमंत्री के प्रति जो है यहाँ के लोगों का बहुत बहुत दिल में प्यार है, बहुत दिल में एक एक्स्ट्रा जगह है यहाँ पे लद्दाख के लोगों को, जो उन्होंने जो हमारा जो 70 साल का सपना पूरा किया है उसका जो है हम कभी उनको कंपनसेट नहीं कर सकते हैं, जितना भी उनका एप्रिसिएशन करेगा उतना कम होगा, लेकिन दिल में जो है यहाँ के लोगों को उनके प्रति अलग सा एक जगह है और जिसका लाभ जो है हम जैसे जो छोटे छोटे लोग जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए काम करते हैं हमारा भी जो है इसमें लोगों का सहयोग मिलता है। आपने फोकस न्यूज़ के माध्यम से लोगों को जानकारी दी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।